एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अगेन एक मीशो हॉल। एंड मीशो से आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग से कुर्ता, शरारा, गाउन, रेडी टू वियर साड़ी, ये सारे वो आउटफिट है जिनके कोड आपने मुझे दिए थे। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि सभी आपकी रिक्वेस्ट वाले आउटफिट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड सभी जो आउटफिट है वो है रीसेलिंग में, तो इनकी जो रीसेलिंग प्राइस है मीशो प्राइस है मैं साथ के साथ यहाँ पे मेंशन करती रहूंगी, तो आप देखते रहना। एंड अगर आप इनमें से कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे परचेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ पे मैं क्लिप दे रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट रहिए रीसेलिंग के लिए भी। और अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट जल्दी करना, बिकॉज होता क्या है थोड़ी देर में ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। ओनली मेरे पास 1-1 पीस होते हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर कुछ भी लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए लिंक से, लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप वहाँ से मीशो डाउनलोड करोगे तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लिप 30% एंड 100 रेट का ऑफ देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आप वहीं से मीशो डाउनलोड करो। एंड जितने भी आउटफिट शेयर कर रहे हो सभी के कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता शरारा का सेट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी चिकनकारी कुर्तीज़ के लिए, कुर्ता शरारा के लिए। तो मुझे ये वाला है ना कुर्ता शरारा इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था मीशो पे, तो मैंने पिक कर लिया। प्लस इसकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये पूरा आपको कॉटन फैब्रिक में देखने को मिलेगा, लुक एट दिस, ना प्योर कॉटन फैब्रिक है ये वाला, पूरा आपको चिकनकारी में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पूरे पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है, प्लस गोटा लगाया हुआ है। इसमें आपको 3-4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड लुक एट दिस, ना काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, काफ़ी अच्छा लगेगा पहनने के बाद। प्लस बैक आपको पूरा इसमें प्लेन देखने को मिल जाएगा, तो प्योर कॉटन का है, डेफिनेटली ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा पहनने के बाद। प्लस इस पर जो वर्क किया हुआ है, गोटे का वर्क किया हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके की आपको इसमें कुर्ती देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। एंड इसका जो शरारा है वो आपको प्योर जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिलेगा, कॉटन की इन्होंने कुर्ती रखी है, बॉटम इन्होंने प्योर जॉर्जेट का देखने को मिलेगा। प्लस काफ़ी फ्लेरी है, साइड में आपको फुल लुक क्लियर हो जाएगा। प्राइस में सभी की यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप देखते रहना। एंड इसमें आपको इलास्टिक वाला शरारा देखने को मिल जाएगा जो कि पहनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। स्ट्रेट फिटिंग में देखने को मिलेगा ऊपर से, एंड आप नीचे देखो कितना प्यारा इन्होंने शरारा दिया हुआ है। पूरे पे आपको वो ही चिकनकारी का वर्क, गोटे का वर्क देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर अंदर इसमें लाइनिंग वगैरह सब कुछ अटैच है, तो उस अकॉर्डिंग ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है, अफोर्डेबल प्राइस में है। और इसमें आपको पूरा कुर्ता सेट मिल रहा है, कुर्ता शरारा सेट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। इसमें आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, तो अगर आप दुपट्टा लगाना चाहते हो तो आप इसे मल्टी कलर दुपट्टे के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। से पहले मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना था एक बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट से, जिसे मैं अभी फिलहाल में काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, इसके रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। बीएम वेलनेस का हेल्थ कॉम्बो, इंडिया का पहला प्लांट बेस्ड फ्रूट फ्लेवर न्यूट्रिशियन। इतनी जल्दी है जो सफेद बाल आने लग जाते हैं, इतना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, स्पेशली आप देखोगे इस मौसम में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है, या फिर आपका स्किन टेक्सचर हो, स्किन पे पिंपल्स हो, नेल्स की ग्रोथ हो, या फिर कुछ भी हो, हेयर्स की सारी प्रॉब्लम को ये रिमूव करता है। आप देखोगे कि मेरे जो हेयर्स है अभी काफी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। मेरे हेयर्स पहले काफी ज्यादा थिन थे, हेयर फॉल काफी ज्यादा हो रहा था, तो फिलहाल मैं इसे यूज कर रही हूं। तो गाइस इस कॉम्बो पैक में आपको दो फ्लेवर देखने को मिल जाएंगे, फर्स्ट है नेचुरल टैंगी ऑरेंज फ्लेवर बायोटिन पाउडर, एंड सेकंड है नेचुरल टॉपिकल मैडनेस फ्लेवर कोलेजन पाउडर। वीएम वेलनेस के प्रोडक्ट्स कंप्लीटली नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, और इन्होंने हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रास को एक फ्रूटी टेस्ट दिया है, जिससे हम सारे हर्ब्स अब आसानी से ले सकते हैं बिना अपना मुँह का टेस्ट खराब किए हुए। कोलेजन बूस्टर में आपको मिलता है 8 एंटी एजिंग, 10 प्रो कोलेजन सुपर फूड्स, 3 होल फूड्स विटामिन एक्स्ट्रास। बायोटिन में आपको मिलते हैं 10,000 प्लस MCG बायोटिन फ्रॉम 4 नेचुरल सोर्सेज। कोलेजन और बायोटिन दोनों आपकी हेयर, स्किन, जॉइंट, नेल्स हेल्थ को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओवरऑल आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर ड्रेन को कम करने में हेल्प करते हैं, हेयर फॉल को कम करते हैं, थिनिंग की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करते हैं, आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, सो दैट यू हैव क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन ऑलवेज। कोलेजन आपकी नेल और जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। एवरीवन वेदर
मेल और फीमेल शुड टेक इट ताकि आपकी जनरल हेल्थ मेंटेन हो सके और आपको एक कोलेजन प्लस बायोटिन कॉम्बो मिल जाए ओनली 749 रुपीस में. सो फर्स्टली ट्राई देन गो फॉर बिगर पैकेजिंग इफ यू लव इट लाइक मी. लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसे बाय कर सकते हो एंड डेफिनेटली ट्राई करना एक बार, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वर्थ इट है. मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक रेडी टू वियर साड़ी. एंड यार मैंने इसे खोल के देख लिया था, पैकेजिंग आपको नॉर्मल जैसे पॉलिथीन में मिलती है वैसे ही पॉली में मिली है. एंड ये बहुत ही सुंदर सी रेडी टू वियर साड़ी है. कलर ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो, मे बी इसमें ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर और अवेलेबल है. बट अभी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने रेड कलर पिक किया है और रेड ब्राइट कलर है तो अच्छा भी लगता है तो उस अकॉर्डिंग. एंड ये इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी तो मैंने सोचा परचेज करके देखते हैं, प्लस कुछ न्यू पैटर्न भी लग रहा था रेडी टू वियर में. तो इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज देखने को मिल जाएगा. इसका बैक है ना बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, ये आपको इसमें इस तरीके का आपको बैक देखने को मिलेगा. लुक एट दिस, यहाँ पे आपको पूरे में जिप देखने को मिल जाएगी. इसमें आपको फुल स्टिच ब्लाउज मिल रहा है, पैडेड ब्लाउज है और आपको साटिन की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से. फ्रंट आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा. एक बार आप फुल लुक साइड में देखना आपको क्लियर हो जाएगा. ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से ये आपको नेट का देखने को मिलेगा. फिर पूरे पे सिक्वेंस लगाए हुए हैं, प्लस जो है ना साटिन फैब्रिक के इन्होंने इसमें रोज लगाए हुए हैं. कुछ इस तरीके का आपको इसमें वर्क देखने को मिल जाएगा फ्रंट में. बैक में आपको ये वर्क काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा. तो आप देख सकते हो ब्लाउज कितना प्यारा है, कितना हैवी ब्लाउज है. एंड इसमें आपको 3-4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी जो कि नेट की है. पूरे पे स्टोन लगाए हुए हैं एंड यहाँ पे आपको सेम वो ही वर्क देखने को मिलेगा. और ये वर्क आप जैसे इसे हाथ लगवा रहे हो या फिर, तो वो चीज़ नहीं है, चुभ नहीं रहा है. आप इजीली इसे कैरी कर सकते हो, बिल्कुल नहीं चुभेगा क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इन्होंने सिक्वेंस यूज़ किए हैं. इसमें जो मोती यूज़ किए हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं. तो इस तरीके का आपको एक बहुत ही स्टाइलिश सा ब्लाउज देखने को मिलेगा. बैक में आपको इसमें जिप भी देखने को मिल जाएगी जिसे आप इजीली इसे पहन सकते हो. और ये आपको फ्री साइज में देखने को मिल रहा है. इस तरीके का आपको एक बहुत ही डिजाइनर सा ब्लाउज मिल रहा है. इसमें जो साड़ी है वो इन्होंने प्लेन दी है, आप एक बार फुल लुक साइड में देखना क्योंकि ब्लाउज काफी हैवी है ऑलरेडी. और ये आपको लाइटर फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी फैब्रिक होता है. यहाँ पे आपको ना हुक्स देखने को मिल जाते हैं जिन्हें बस आपको अपने वेस्ट पे एडजस्ट करना है. और ये साड़ी अगर आप एक्सल डबल एक्सल साइज में हैं तो भी आपके इजीली आ जाएगी क्योंकि इसमें 3 हुक्स दिए हुए हैं. तो आप जिस भी अकॉर्डिंग कंफर्टेबल हो आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं. फुल रेडी टू वियर साड़ी आएगी. ये वाली लेंथ वगैरह आपको प्रॉपर साइड में क्लियर हो जाएगी. एंड ये इसका जो है आंचल है ये आपके शोल्डर पे आएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है. फुल ब्लाउज जैसा इसमें पूरा वर्क किया हुआ है. एंड यार प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट लग रही है क्योंकि कुछ न्यू पैटर्न भी हैं. दूसरा अगर आप ब्लाउज स्टिच बनाते हो इस तरीके का हैवी तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है वो चीज़. और इतने में आपको पूरा रेडी टू वियर ब्लाउज मिल रहा है, रेडी टू वियर साड़ी मिल रही है. बस आपको लाना है, पहनना है, अपने साइज के अकॉर्डिंग आप इस ब्लाउज को एडजस्ट करा सकते हो. अभी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं तो आप ले सकते हो. और रेडी टू वियर साड़ी को कैरी करना पूरे दिन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, किसी भी फंक्शन और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बेस्ट है. और आप बोल रहे थे दी रेडी टू वियर साड़ी के ऑप्शन शेयर करो, तो ये मीशो पे मुझे बिल्कुल न्यू लग रहा था तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ. तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है. नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है वो बहुत ही अमेजिंग सी एक गाउन है. काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है. एंड इस तरीके की पैकेजिंग में आपको देखने को मिल जाती है. जिप कवर आया है इसके साथ, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है. ये आपको डार्क ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगी. एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली गाउन देखने को मिलेगी. एक बार आप फुल लुक साइड में देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा. इसका जो इस गाउन को हाईलाइट कर रही है ना वो है इसका ये नेक वाला पार्ट जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने को मिलेगा. पूरी गाउन का जो फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक है जिसके कारण बहुत ज़्यादा लाइट वेट है. और ये आपको इसमें फुल नेक देखने को मिलेगी, मैंड्रिन नेक है. एंड यहाँ पे आपको पूरा जो है जरी का काम देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. पूरी गाउन है जॉर्जेट फैब्रिक में. एक बार आप फुल लुक साइड में देखना आपको क्लियर हो जाएगा. नीचे इसमें पूरी गाउन में पर्ल की लेस लगाई हुई है. ऐसे आपको ये वाली गाउन का लुक क्लियर नहीं होगा तो आप एक बार ट्राई ऑन देखना. एंड पूरे में अंदर साटिन की लाइनिंग लगाई हुई है. काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है. साइज वगैरह मैं सभी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आप देख लेना. तो इस तरीके की आपको ये वाली गाउन देखने को मिल जाएगी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. लाइट वेट है एंड इसमें आपको इस तरीके का जो है
पॉन्चो स्टाइल देखने को मिल जाएगा, जिस पॉन्चो स्टाइल कैप देखने को मिल जाएगा। इस गाउन का लुक है ना काफी ज्यादा स्टाइलिश है, जब आप पहनोगे क्लियर हो जाएगा। एक बार साइड में इमेज फुल लुक देखना काफी ज्यादा अच्छा आएगा। ये भी आपको जॉर्जेट फैब्रिक में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरे में है ना वही जरी का काम किया हुआ है एंड नीचे पूरे में आपको पर्ल की लेस देखने को मिल जाएगी। ये आपको पॉन्चो स्टाइल, इसमें अलग से पॉन्चो दिया हुआ है, पॉन्चो आप बोल सकते हो इसे, पॉन्चो स्टाइल कैप है, पॉन्चो है। तो इसे आपको गाउन के ऊपर स्टाइल करना है, तो काफी स्टाइलिश गाउन है। जब आप इसे पहनोगे लुक काफी अच्छा आएगा। और अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, अगर आपके घर में मैरिज है और अगर आप कोई अफोर्डेबल प्राइस में एक डिजाइनर गाउन ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। मेहंदी वगैरह के अकॉर्डिंग भी काफी अच्छी गाउन है एंड बहुत ही अमेजिंग सा कलर है, पैटर्न काफी ज्यादा स्टाइलिश लगा मुझे, तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक की है, जिसको भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, आप परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा लुक आएगा। अब जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस की साड़ी, वो भी पार्टी वेयर साड़ी, क्योंकि अभी सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ रेडी टू वेयर साड़ी के साथ एक अफोर्डेबल प्राइस में साड़ी भी शेयर करती हूँ। इसमें आपको कलर ऑप्शन मीशो पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मैंने फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग ये पिंक कलर चूज़ किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये आपको डार्क पिंक एंड बेबी पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगी। बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, फैब्रिक है इसका जॉर्जेट और कुछ और फैब्रिक भी इसमें मिक्स किया हुआ है। पूरे में आपको ना जरी की लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, जरी वाले थ्रेड की, जो कि शाइन कर रही है। ये है इसका आंचल, जो कि इस पे आंचल पे आपको इस तरीके के टेसल्स देखने को मिल जाएंगे। पहले तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, क्योंकि ये शेडेड साड़ी है, लेकिन आपको पूरी 5.5 मीटर की साड़ी देखने को मिल जाएगी। आप कलर देखो कितना ज़्यादा प्रिटी है एंड फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी रहेगी ये वाली साड़ी। बैट वगैरह के साथ स्टाइल करना विद जूड़ा, बहुत सुंदर लुक आएगा। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंड लाइट वेट साड़ी लगी एंड आप इसे बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, बहुत तरीके से आपके यूज़ में आ सकती है। गर्ल्स वगैरह के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है। तो पूरी 5.5 मीटर की आपको इस तरीके की साड़ी देखने को मिल जाएगी। लुक आप एक बार साइड में देखना, आप इस तरीके से भी इसे स्टाइल कर सकते हो, प्लस इसे स्टाइल कर सकते हो जूड़े के साथ एंड कुछ क्रॉप टॉप के साथ, बैंगल्स के साथ आप इसे स्टाइल करना, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो इस साड़ी को मैं प्राइस के अकॉर्डिंग आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इतनी कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी साड़ी मिल रही है, प्लस इसका जो ब्लाउज है ना आपको फुल हैवी सिक्वेंस का ब्लाउज इन्होंने दिया हुआ है, जो कि आप स्टिच कराओगे लुक काफ़ी अच्छा आएगा। पूरा 90 सेंटीमीटर का ब्लाउज का फैब्रिक दिया है एंड पिंक कलर का आपको ब्लाउज देखने को मिल जाएगा। पूरे पे आप सिक्वेंस देखो, कितने छोटे छोटे सिक्वेंस लगाए हुए हैं, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी भी प्राइस है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, काफ़ी अफोर्डेबल है, कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, किसी भी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगी। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वाला मीशो हॉल पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विद बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। एंड और कुछ मीशो से देखना चाहते हो डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझसे मैसेज कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मुझे पसंद आएगा तो कॉमेंट करना एंड आज के इस कलेक्शन में से सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा कॉमेंट करके बताना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।